हाँ सर, आज यहाँ हम निवेदन देने के लिए आए हैं एसपी साहब को। कल जो मैटर हुआ सावेड़ी में और निहत्ते लोगों पर हमला किया गया और उनको ज़ख्मी किया गया, फिर अभी एडमिट है और वो वेंटिलेटर पे है, और ऐसी खबर आ रही है कि कहीं जो है वो उसका इंतकाल हो गया है। तो हम एसपी साहब के पास इसीलिए आए न्याय मांगने के लिए, और जो अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसके लिए जो है हम यहाँ आए हैं कि उस पर कार्रवाई हो। ये कुणाल भंडारी कौन है जो चार साल से जो है वो गांव का वातावरण, शहर का वातावरण ख़राब कर रहा है। हर जगह रामवाड़ी का मैटर हो, गजराजनगर का मैटर हो, सावेड़ी का मैटर हो, पांड्री पुल का मैटर हो, हर जगह इसका नाम आ रहा है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई कर इसको जो है अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और ये भी हमें मालूम हुआ है कि सियासी लोगों में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोग जो है उसके ही हिमायत में पुलिस स्टेशन पहुंचे, और कौन कौन पहुंचे हैं उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। वक्त आने पर हम उनको बता देंगे कि तुम अन्याय की जो है वो साथ दे रहे हैं, हक का साथ नहीं दे रहे। और बाद में जो है हमारे पास जब ये आएंगे तो हम उनको ये बात समझाएंगे कि तुमने अन्याय का साथ दिया है, हमारे पास वोट के लिए तुमने नहीं आना है। इसलिए हम एसपी साहब से जो है वो अदल और इंसाफ मांगने के लिए आए, न्याय मांगने के लिए आए। अभी हमने जो है वो निवेदन दिया है और खैरे साहब ने इसकी गारंटी भी दी है कि उस पर कार्रवाई होगी। तो इसलिए समाज जो है वो इत्मीनान के साथ जा रहा है कि अभी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी और कार्रवाई कर जो है उसको न्याय के कटघरे में खड़े कर उसको सज़ा देंगे, ताकि ये गरीबों के खिलाफ जो काम हुआ है और अन्याय हुआ है इस पर उनको इंसाफ मिल जाए। गेले दोन दिवसापूर्वी सर्वप्रथम रामवाड़ी भागामध्ये आरोपी कुणाल भंडारी नावाच्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी लाकडी दांडकी घेऊन जमाव घेऊन त्या ठिकाणी दहशत माजवली। त्याच्यानंतर त्यांनी पूर्ण मॉब घेऊन तो कान्हा पोलीस स्टेशनमध्ये दुडगूस घातण्याचा प्रयत्न केला, आणि त्याचा पडसाद म्हणून पाईपलाईन रोडवरती एक घटना घडली, अतिशय निंदनीय आणि वाईट घटना घडली। कष्टकरी गोरगरीब मुसलमान ज्यांचं कुठल्याही काडी मात्र संबंध नाही, झोपलेल्या लोकांना काही समाजकंटकांनी जीव घेणं भ्याड हल्ला त्या ठिकाणी करण्यात आलं। त्याचं सर्व काही CCTV फुटेज समोर आलेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा कुणाल भंडारी ह्या व्यक्तीचा सहभाग असल्याचं त्या ठिकाणी आम्हाला त्या पहिल्या दिवसापासून कळलेलं होतं। जे फिर्यादी होते फिर्यादीने पहिल्या दिवशी नावसुद्धा त्या ठिकाणी घेतलेलं होतं, परंतु काही राजकीय दबावामुळे त्याचं नाव त्या ठिकाणी वगळण्यात आलं। परंतु पोलीस प्रशासनाची यंत्रणेने पुन्हा त्याची सखोल तपासणी केल्यानंतर पुन्हा त्याचं नाव आढळलं, आणि आज सकाळपासून त्याला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे तो कान्हा पोलीस स्टेशनमध्ये। आणि आज सकाळपासून अनेक राजकीय नेते त्याला वाचवण्यासाठी, त्याला ह्या केसमधून वगळण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न करत आहे। म्हणून आम्ही सर्व समाजामध्ये अतिशय मोठा रोष आहे, कारण की निराधार लोकांना, झोपलेल्या लोकांवरती अन्याय अत्याचार त्या ठिकाणी झाला, म्हणून त्याचं शहराचं वातावरण बिघडू नये। म्हणून आज आम्ही SP साहेबांकडे मागणी निवेदनाद्वारे केलेली आहे की आपण याच्यामध्ये सखोल तपास करा, सखोल त्याच्यामध्ये त्या लोकांना न्याय देण्याचं काम तुम्ही त्या ठिकाणी करा, आणि कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप याच्यामध्ये होऊन देऊ नका, एवढी मागणी आम्ही आज सन्माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांना निवेदनाद्वारे पूर्ण समाजाच्या वतीने केलेली आहे। आणि मी अपेक्षा करतो की पोलीस प्रशासन याच्यामध्ये सखोल तपास आणि सखोल चौकशी करून त्या गोरगरीब लोकांना न्याय देतील। धन्यवाद।